लेस एडवर्स वेरियंसिस उसमें से एडवर्स वेरिएंसेस माइनस की एडवर्स वेरिएंसेस कौन से कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइस वेरियंस टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डायरेक्ट मटेरियल वेरियंस वन थाउजेंड फिक्सड ओवर हेड वेरियंस सिक्स हंड्रेड देन फेवरेबल वेरिएंसेस कॉन्ट्रीब्यूशन क्वान्टिटी वेरिएंस एटीन हंड्रेड डायरेक्ट वेजेस वेरियंट सिक्स हंड्रेड वेरिएबल ओवर वेरिएंस वेरियंस एटीन हंड्रेड तो एक्चुअल प्रॉफिट आया सेवन थाउजेंड मतलब बजटेड प्रॉफिट में से एडवर्स वेरिएंसेस माइनस किए फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड किए तो आ गया एक्चुअल प्रॉफिट राइट नाउ देयर इज़ नो इन्वेंट्री इन्वेंट्री नहीं है प्रोडक्शन यूनिट्स इक्वल टू सेल्स यूनिट फॉर बोथ एक्चुअल एंड बजट मतलब जितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ उतने ही यूनिट्स क्या हुए सेल्स हुए उतने ही यूनिट्स का क्या हुआ सेल्स हुआ प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स यूनिट सेम है राइट right? बिकॉज कोई भी इन्वेंट्री नहीं है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है जितने यूनिट बचे बने उतने ही बिक गए किसमें एक्चुअल में भी और बजट में भी

देन मटेरियल यूसेज वेरांस कितना है फोर हंड्रेड एडवर्स है ठीक है देन एक्चुअल ले यहाँ पे कौन सा दिया है डायरेक्ट मटेरियल वेरियंस यानी यूसेज प्लस प्राइस है राइट right? और यूसेज वेरांस क्या है फोर हंड्रेड एडवर्स तो प्राइस वेरांस क्या होगा सिक्स हंड्रेड एडवर्स राइट दैन एक्चुअल लेबर आस एट द रेट एक्चुअल रेटी थ्री थाउजेंड याचुअल रेट एक्चुअल रेट दैन एक्चुअल लेबर आस एट द रेटर्ड रेटीड नाइन फिफ्टी एक्चुअल रेट दैन वेरिएवर हैड स्टैंडर्ड रेट रुपीजर्ड ऑफ प्रोडक्शन फोर परेरिएड स्टैंड रेट 84,800. फोर थाउजेंड एट हंड्रेड देबल 400 हेड एक्सपेंडिचर वेरास फोर हंड्रेड 15,000. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरांस कितना है 400 हंड्रेड एडवर्स तो जब आपके पास वेरिएबल ओवरहेड हेड लिखा है 1800 हंड्रेड फेवरेबल और एक्सपेंडिचर वेरांस है 400 हंड्रेड एडवर्स तो ओवरहेड ओवर मतलब एक्सपेंडिचर प्लस इफिशेंसी और ये क्या है फोर हंड्रेड एडवर्स है तो ये क्या होगा एफिशियसी वाला ट्वेंटी टू हंड्रेड फेवरेबल समझा ट्वेंटी टू हंड्रेड फेवरेबल प्लस फोर हंड्रेड एडवर्स क्या हो जाएगा एटीन हंड्रेड फेवरेबल राइट तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है रिक्वायर्ड है फाइंड आउट द फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स यूनिट एक्चुअल सेल्स रुपीज एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। आपको एक्चुअली कितने यूनिट सोल्ड हुए वो बताना है एक्चुअल सेल्स रुपीज ठीक है रुपीज में बताना है सेल्स एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज कितना रॉ मटेरियल यूज रहा है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी लेबर इफिशियसी वेरेंस एक्चुअल वेरिएबल ओवर हेड एंड रुपी वेरिएबल ओवर हेड इफिशियसी वेरेंस एक्चुअल फिक्सड ओवर हेड एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरेंस ये सब आपको निकालने हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन रिकनसिडेशन स्टेटमेंट दिया हुआ है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो एक्चुअल सेल्स यूनिट पहला एक्चुअल सेल्स यूनिट्स उसके लिए देखिए आपको क्या करना है एक्चुअल सेल्स यूनिट के लिए पहले आप ये देखिए आपके पास क्या दिए हुए हैं आपके पास दिया है बजटेड प्रॉफिट और आपके पास क्या दिया हुआ है बजेटेड ओवरहेड भी दिया हुआ है ठीक है तो बजेटेड प्रॉफिट प्लस बजटेड ओवरहेड कर देंगे तो क्या जाएगा बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड राइट प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्सड ओवरहेड तो बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू बजटेड प्रॉफिट प्लस बजटेड

अभी ये क्या है बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन हमको स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है तो बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन में सिर्फ किसका डिफरेंस है क्वांटिटी का सो कॉन्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस क्या है 1800 हंड्रेड फेवरेबल उसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन क्वान्टिटी वरायस को ऐड कर देंगे एटीन तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है ये आ गया स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन अब आपके पास है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे है आपके पास क्योंकि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है और स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 18 है स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट 15 है तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 है तो आपके पास क्या आ जाएगा सो so, वॉल्यूम कितना आएगा टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट्स कितना टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट्स क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा मतलब एक्चुअल सेल्स यूनिट्स एक्चुअल सेल्स यूनिट्स टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट्स आएगी ठीक है एक्चुअल सेल्स यूनिट इतनी आई और आपके पास क्या एक्चुअल सेल्स रुपीज में बताना है तो एक्चुअल सेल्स रुपीज में बना, बताना है यूनिट्स में है और आपके पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है रुपीज सेवेंटीन पर यूनिट तो एक्चुअल सेल्स रुपीज भी निकल जाएगा ये एक्चुअल सेल्स यूनिट है इनटू सेलिंग प्राइस एक्चुअल तो रुपीस वन लैख एटी थाउजेंड टू हंड्रेड ये एक्चुअल सेल्स क्या रुपीज में अभी थर्ड क्या निकालना है आपको एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड राइट को निकालना है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज तो आपके पास यूसेज गिवन है कितना 400 हंड्रेड एडवर्स रुपीज फोर हंड्रेड एडवर्स यूसेज वायंस गिवन है सो फोर हंड्रेड एडवर्स यूसेज वायंस का फॉर्मूला क्या होता है यूसेज वराइन्स का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू व्हाट स्टैंडर्ड प्राइस तो माइनस फोर हंड्रेड ठीक फोर हंड्रेड एडवर्स माइनस फोर हंड्रेड इन टू स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस कितना है ट्वेंटी पैसे राइट सो पॉइंट टू जीरो राइट स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी फाइव के जी लगती है एक यूनिट में और एक्चुअल कितनी यूनिट बनी है एक्चुअल यूनिट बनी है टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्योंकि जितनी बनी उतनी ही बिकी ठीक है तो एक्चुअल यूनिट बनी है टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन टू फाइव ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस व्हाट एक्चुअल क्वांटिटी यही निकालना है आपको एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय पॉइंट टू कितना होगा minus 2,000, 10,600 into 5 is 53,000 minus actual quantity consumed. so actual quantity consumed is equal to 53,000 plus 2,000 is equal to 55,000 kgs. actual quantity consumed, kita, are 55,000 kgs. राइट नाउ नंबर फोर्थ लेबर इफिशियंसी वेरिएंस राइट लेबर लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड अर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल अर्स इन टू स्टैंडर्ड रेट ये लेबर एफिशियंसी वेरिएंस का क्या है फॉर्मूला है राइट सो नाउ वट यू हैव टू डू स्टैंड आपके पास स्टैंड है क्या आपको क्या बोला है फोर फोर अर्स पर यूनिट लगते हैं और कितनी यूनिट बन रही है टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड राइट सो स्टैंडर्ड अर्स फोर इंटू टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड राइट ब्रैकेट right? खोल के हम लिख रहे हैं क्योंकि तो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल कितना है सिक्सटी वन थाउजेंड नाइन फिफ्टी ये तो गिवन ही है राइट right? अब हमारे पास क्या नहीं है अब हमारे पास नहीं है स्टैंडर्ड रेट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा मैं यहीं पे वर्किंग नोट बना रही हूं हमारे पास स्टैंडर्ड रेट नहीं है तो इसके लिए आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना होगा ठीक है लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है डायरेक्ट वेज बेरेंस सिक्स फेवरेबल राइट सो सिक्स सॉरी लेबर कॉस्ट वेरेंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड अर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल अर्स ठीक है लेबर कॉस्ट वेलेंस है सिक्स हंड्रेड अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट नहीं है स्टैंडर्ड आर्स कितना फोर अर्स इंटू टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल अर्स तो एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल अर्स कितना है ये एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल अर्स सिक्सटी थ्री थाउजेंड राइट सो नाउ प्लस सिक्सटी थ्री थाउजेंड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इंटू टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंटू फोर कितना फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड राइट ये एक फॉर्मूला बन गया तो अब स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालेंगे सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड बचेज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव रुपीज़ वन पॉइंट फाइव पर आवर तो आपके पास स्टैंडर्ड रेट आ गया अब उसको आप यहाँ पुट करिए वन पॉइंट फाइव इंटू फोर इंटू टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अभी हमने क्या फोर इंटू टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड राइट सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है 1.5 इनटू 42400 माइनस 61950 व्हिच इज इक्वल टू 1650 फेवरेबल तो ये क्या आ गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया राइट right? तो आपके पास चार चीज़ें निकल गई एक्चुअल सेल्स यूनिट एक्चुअल सेल्स रुपीज़ में एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज लेबर इफिशंसी वरेंड्स देन एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इन रुपीज़ ठीक है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इन रूपीज कैसे निकालेंगे आपके पास स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड है क्या आप देखते हैं देखिए आपके पास वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है ठीक है वेरिएबल हंड्रेड वेरिएंस है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड है क्या वेरिएबल ओवरहेड एट स्टैंडर्ड रेट मतलब ये स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड है 84,800 और आपके पास वेरिएबल ओवरहेड का वेरायंस भी है 1800 तो आपका एक्चुअल वेरिएबल ओवर निकल सकता है राइट सो फिफ्थ वेरिएबल ओवरहेड आपको निकालना है एक्चुअल तो वेरिएबल ओवरहेड कितना एट्टी फोर थाउजेंड एंड एट हंड्रेड ओवरहेड वेरिएंस कितना है एटीन हंड्रेड एंड दिस एटीन हंड्रेड इज फेवरेबल और एडवर्स ये देखिए एटीन हंड्रेड क्या है ये एटीन हंड्रेड है फेवरेबल एटीन हंड्रेड फेवरेबल मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो कम लगी होगी बिकॉज फेवरेबल तभी होगा वो हमारे लिए तो वेरिएबल ओवर एट स्टैंडर्ड रेट अगर एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड है और एक्चुअल में कॉस्ट कम लगी होगी तो फेवरेबल वाला इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा एटी फोर एट हंड्रेड माइनस एटीन हंड्रेड एटी थ्री थाउजेंड दिस इज एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड राइट देन नंबर सिक्स नंबर सिक्स सिक्स वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरास अब आप देखिए आपके पास दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड कौन सा वेरिएबल ओवरहेड वेरांस दिया है 800 फेवरेबल और आपके पास दिया है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 400 एडवर्स तो आपने ऐसे ही निकाल लिया वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरांस 2,200 फेवरेबल वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस माइनस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो कॉस्ट वेरिएंस तो कितना है एटीन हंड्रेड एडवर्स माइनस कॉस्ट वेरिएंस कितना है एक मिनट देख लेते हैं नहीं सॉरी कॉस्ट वेरिएंस 1800 फेवरेबल और एक्सपेंडिचर वेरिएंस 400 हंड्रेड एडवर्स फोर एडवर्स 1800 माइनस माइनस 400 तो दिस इज 2200 फेवरेबल ठीक है ये निकल गया वेरिएबल ओवर एड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्स्ट वन इज नंबर सेवेंथ एक्चुअल फिक्स ओवर हेड राइट एक्चुअल फिक्सड ओवर हेड निकालना है आपको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वे दिया हुआ है तो उसको फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है आपके पास इज इक्वल टू फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल फ़िक्स्ड ओवरहेड राइट सो नाउ फ़िक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है रुपीज सिक्स हंड्रेड एडवर्स राइट और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट आपके पास दिया हुआ है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड हेड फिफ्टीन थाउजेंड और बजटेड आउटपुट टेन थाउजेंड तो निकल जाएगा स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन तो सबसे पहले निकाला टेन थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड सो सिक्स हंड्रेड एडवर्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट इन एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइनस एक्चुअल फिक्सड ओवर हेड सो एक्चुअल फिक्स ओवर हेड इज इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड दैट इज सिक्सटीन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड ये क्या निकल गया एक्चुअल फिक्स्ड ओवर आ गया अभी लास्ट है सबसे क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस। एथ नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस। बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट है पंद्रह हजार एक्चुअल प्रॉफिट है सात हजार सो आठ हजार ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेरिएंस है राइट right? दोनों में डिफरेंस अगर बजटेड ज्यादा है और एक्चुअल प्रॉफिट कम है तो ऑफकोर्स वो क्या है एडवर्स वेरांस है सो so, ये सारे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपने निकाल ली है आपको ये ध्यान ध्यान रखना है तो जब भी कंट्रीब्यूशन आपके क्वेश्चन में है तो कंट्रीब्यूशन क्या है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड ठीक है तो सपोज आपके पास आता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरांस ठीक है सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरांस तो आप क्या करेंगे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेराइंस प्लस फिक्सड ओवरहेड वेरांस समझे आपको जैसे आपका लिखा है सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस तो क्या होगा सेल्स मार्जिन मार्जिन मतलब प्रॉफिट मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवर हेड ठीक है आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है सो दिस वॉज इट हमने रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन निकाली इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फिट हुआ हस